नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। इसके पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और ऐसे में सीटों पर एक तरफ इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति तैयार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी अपनी अलग रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खास और सबसे अहम बात इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो देखा जा रहा है वो है कन्नौज की सीट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अखिलेश यादव कन्नौज के मैदान में कूद पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। 25 अप्रैल को बीते दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज पहुंचे और वहां पर जाकर अपना नामांकन भी दाखिल किया। इस दौरान सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद थे। काफी समय से यह चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट देकर अटकलों पर पूर्ण विराम भी लग गया था। लेकिन तेज प्रताप मैनपुरी से पूर्व सांसद हैं, मगर अचानक कन्नौज लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। नामांकन से कुछ देर पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक तस्वीर भी साझा किया। उस तस्वीर में अखिलेश यादव नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वर्ष 2000 की बताई जा रही है, जब अखिलेश यादव ने अपने पहले चुनाव के लिए नामांकन किया था। तब आपको बता दें कि कन्नौज से ही राजनीति एक्सप्रेस वे पर वो सवार भी हुए थे अखिलेश यादव। दरअसल आपको बताते चले कि साल 1999 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह ने कन्नौज से जीता था। वहीं वर्ष 2000 में मुलायम सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह के बेटे यानी कि अखिलेश यादव कन्नौज को लोकसभा सीट से उम्मीदवार बने और यहां से अपने जीवन का पहला चुनाव जीते। अखिलेश की राजनीति सफर की शुरुआत वर्ष 2000 बताई जाती है, वो भी कन्नौज से। वहीं आपको हम बताते चले कि इसके बाद अखिलेश यादव की राजनीति चमकी और साल 2004 व 2009 का चुनाव भी वो कन्नौज से ही जीते। साल 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए उन्होंने यानी कि अखिलेश यादव कन्नौज से इस्तीफा भी दे दिए। वहीं अब डिंपल यादव की बात कही जाए तो डिंपल यादव भी पॉलिटिक्स की शुरुआत कन्नौज से ही की थी। दरअसल साल 2012 में अखिलेश यादव के इस्तीफा दे देने के बाद यहां से अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव ने अपने जीवन का पहला चुनाव जीता। डिंपल के पॉलिटिकल करियर का आगाज भी कन्नौज से ही हुआ था। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताते चले कि वह इस चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन हुई थी। इसके बाद साल 2024 का वो दौर आता है जब चुनाव में फिर से डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज कराई। लेकिन साल 2019 की बात कही जाए तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने यह सीट हारनी पड़ी। इस चुनाव में भाजपा से सुब्रत पाठक तो वहीं सपा से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था। साल 2019 में जीते सुब्रत पाठक को भाजपा ने 2024 में भी कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है। वही कन्नौज से अब तक महज दो ही महिला सांसद बनी है, जिसमें से कन्नौज में हुए 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से शीला दीक्षित ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं इसी के साथ है शीला दीक्षित कन्नौज से चुनाव जीतने वाली पहली सांसद महिला भी बनी थी। वहीं साल 2012 का चुनाव जीतकर डिंपल यादव कन्नौज से दूसरी महिला सांसद बनी। फिलहाल आपको हम बता दें अखिलेश यादव के कन्नौज के मैदान में उतरने से यहां का चुनाव दिलचस्प होता गया। भाजपा से सुब्रत पाठक मैदान में है तो वहीं अब यह देखना होगा कि इस चुनावी मैदान में ऊंट किसके साथ चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी कन्नौज से नामांकन कर दिए हैं। नामांकन करने के बाद से अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव जहां से राजनीति की अपनी शुरुआत किए थे, क्या वहां से एक बार फिर से 2024 में जीत हासिल कर सकते हैं या फिर नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी 24।